अब हम इस पूरे घटनाक्रम पर पंजाब सरकार और पुलिस की मासूमियत पर उठ रहे सवालों का विश्लेषण करेंगे। हम आपको 8 तस्वीरों के जरिए ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री का काफिला रोका जाना अचानक इकट्ठा हुई भीड़ की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि इसमें पहली नजर में प्रदर्शनकारियों और नेताओं का एक सफल आयोजन नजर आता है। शायद यही कारण है कि पीएम की सुरक्षा को देखते हुए एसपीजी के जवान उन्हें तुरंत वहां से निकालकर वापस ले गए। आगे जांच में ऐसी कई आशंकाओं की गहरी पड़ताल होने वाली है, क्योंकि मामला पीएम की सुरक्षा का है। प्रदर्शनकारियों का हंगामा, ये नारेबाजी, हाथों में लाठी वाला आक्रामक अंदाज, ये अचानक हुई घटना नहीं बल्कि आयोजित मामला लगता है। जिस प्रदेश के आला अधिकारियों को देश के प्रधानमंत्री के काफिलों की जानकारी हो, जिन पर उनके रास्ता साफ रखने की जिम्मेदारी हो, जिन पर प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड लगाकर किनारे करने की जिम्मेदारी हो, वो यहाँ हाथ में चाय का कप लिए किनारे खड़े हैं। इसलिए इस मामले में एक एक तस्वीर को डिकोड करना होगा, ताकि पता चले कि तस्वीरें आकस्मिक थी या आयोजित और प्रायोजित थी। वो एक राजनीति नहीं थी, वो उनका एजिटेशन, पीसफुल एजिटेशन था। यहाँ भी पीसफुल एजिटेशन था, रात हमने एजिटेशन उठाया था, अचानक कोई आकर बैठ गया, तो उसमें कोई ये नहीं है कि जी किसी को खतरा। जो डट के मोदी की रैली तो सिर्फ 10-11 किलोमीटर पीछे सड़क जाम करके, रोड जाम करके, जेड़ा तुसें रोड जाम करके उन्हां नूं बीजेपी दे लीडरां नूं कच्चे राहां उत्तों दी पाणियां विच दी लंघाया, इहदे तुसीं वधाई दे हकदार हैं। एक तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी हैं जो कहते हैं प्रदर्शनकारी अचानक आए, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों के नेता हैं जो रास्ता रोकने वालों को बधाई देते हैं। हमने आपको तीन सबसे नजदीकी तस्वीरें दिखाई थी, जिनमें पीएम मोदी और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित एसपीजी के जवान नजर आए। इसके अलावा दूसरे वीडियो में आपने देखा उन प्रदर्शनकारियों को जो पीएम के काफिले के बिल्कुल पास पहुंच गए थे, और तीसरा वीडियो था पंजाब के नाकाम पुलिस कर्मियों का। अब हम आपको 5 और वीडियो दिखाते हैं। पीएम का काफिला इसलिए रुका था क्योंकि उसी रूट पर प्रदर्शनकारी मौजूद थे जो पहले से ही उग्र नजर आए, क्योंकि वो बीजेपी कार्यकर्ताओं की बसें रोक रहे थे। इस चौथे वीडियो में इस सड़क पर चल रहा तमाशा देखिए, जिस सड़क पर पीएम को आना है। ये प्रदर्शन में हो रहे हंगामे का वीडियो है। हालात ये हैं कि प्रदर्शनकारी आगे आगे और पुलिस उनके पीछे पीछे, लेकिन सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है। ये एक और वीडियो है जिसमें प्रदर्शनकारी फुल प्लानिंग के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ पहुंचे हैं, ताकि पीएम का काफिला किसी हालत में अपनी मंजिल पर ना पहुंचे। इन प्रदर्शनकारियों के हाथों में लाठी डंडे थे। अब ये ना तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन की निशानी है, ना ही अचानक से पहुंची भीड़ की। यहाँ पर भी पुलिस बेबस है, वो लगातार प्रदर्शनकारियों से हटने की अपील कर रही है, लेकिन कामयाब नहीं हो रही। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि बसों को प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर ही रोक दिया है। दरअसल ये बीजेपी कार्यकर्ताओं की बसें हैं। प्रदर्शनकारी इन बीजेपी कार्यकर्ताओं की बसों को रैली में नहीं पहुंचने देना चाहते थे, और इसी रूट से प्रधानमंत्री को भी जाना था, इसीलिए हंगामा चलता रहा। ये इस घटना का 7वां वीडियो है। इसमें बड़ी संख्या में पंजाब पुलिस के जवान मौजूद हैं, लेकिन कोई भी एक्शन में नजर नहीं आ रहा है। इसी रूट से पीएम को जाना था, लेकिन प्रदर्शनकारियों को हटाने की उनकी कोशिश नाकाम हो रही है, ये वीडियो में साफ दिखता है। इस वीडियो में प्रदर्शनकारी उग्र भी हो रहे थे, ये बात नजर आती है। वीडियो में एक व्यक्ति के सिर पर चोट लगी है। ये हंगामा भी पुलिस की मौजूदगी में चल रहा है। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक से जुड़े 8 वीडियो हमने आपको दिखाए हैं। इन 8 वीडियोस को देखकर आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े स्तर पर आई भीड़ और ऐसा प्रदर्शन कोई अचानक हुई घटना नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि प्रदर्शन पीएम के काफिले से करीब 1 किलोमीटर पहले हुआ था, उनकी जानकारी के लिए हम 3 नए वीडियो एक बार फिर दिखा देते हैं।
इन नए वीडियोस में साफ नजर आता है कि प्रदर्शनकारियों की वजह से पीएम को अपनी सुरक्षा के लिए अपनी ही कार में कैद होना पड़ा। उनकी सुरक्षा को लेकर एसपीजी बेचैन दिखी। एसपीजी के जवान बंदूक के ट्रिगर पर उंगलियां टिकाए रहे, क्योंकि वो जानते थे कि वहां हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, दिल्ली से पौलमी साहा, आज तक।